न्यूज 14 सच के साथ। देखिए, तालीम जो है इंसान की बुनियाद होती है, और जैसे तालीम का मतलब ये होता है कि जो बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं 10वीं और 12वीं के लिए, जब उनके अच्छे परसेंटेजेस आते हैं तो उनको हम लोग यहाँ PVR में ला के उनकी हौसला अफजाई करते हैं, अवार्ड देते हैं और एक जश्न का माहौल होता है, ताकि उनके भाई बहन शहर के दूसरे बच्चे मोटिवेट हो और पढ़ाई की तरफ उनका रुझान। वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, बहुत खुशी हो रही मुझे इस बात में। जो है और मैं आई स्टार्ट एक लाख का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उन्होंने मतलब बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम का इनका किया। तालीम जो है इंसान की बुनियाद होती है, और जैसे तालीम का मतलब ये होता है कि जो बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं 10वीं और 12वीं के लिए, जब उनके अच्छे परसेंटेजेस आते हैं तो उनको हम लोग यहाँ PVR में ला के उनकी हौसला अफजाई करते हैं, अवार्ड देते हैं और एक जश्न का माहौल होता है, ताकि उनके भाई बहन शहर के दूसरे बच्चे मोटिवेट हो और पढ़ाई की तरफ उनका रुझान हो। हमारी कोशिश है विभिन्न में कि तालीम का मैार आगे बढ़े, हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। उसी का एक हिस्सा जश्न तालीम के अलग अलग चेहरे हैं, उसमें से एक है 10वीं और 12वीं के बच्चों का जो फेलिसिटेशन जिसको कहते हैं हौसला अफजाई का प्रोग्राम। जश्न तालीम को आगे ले जाने के लिए कोशिश है, भिवंडी कर इतनी तादाद में आते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, क्या वजह है कि खासतौर से जब भी देखा जा रहा है जश्न तालीम हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, तालीम के मैदान में लड़कियां आगे रहती है और लड़के पीछे रहते हैं, तो लड़कों को आगे जाने के लिए क्या करें? देखिए, हमारे समाज का एक प्रॉब्लम बन गया है, तालीम में बच्चियां आगे जा रही हैं, संजीदा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो है उतना परसेंटेज में आगे नहीं आ पा रहे। एक सोशल प्रॉब्लम बनते जा रहा है, ड्रॉप आउट रेट लड़कियों में डबल है, इस पर सोचने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है, समाज को सोचने की जरूरत है और इस पर मुसलसल काम करने की जरूरत है। हमारी आगे कोशिश रहेगी कि हम इस पर मुसलसल काम करें और तब्दीली लाएं। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को मैसेज ये देना है कि तालीम का माहौल बनाइए, अपने बच्चों को मदद कीजिए, उनकी जरूरतों को समझिए। जरूरत सिर्फ कॉपी किताब या पैसे की नहीं होती, एक ज़हनी जो सुकून उनको दीजिए, एक मकसद दीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझिए और उनकी हौसला अफजाई कीजिए। जैसे तालीम वही एक कोशिश है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।